हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, इस कॉलेज में आपको कैसे एडमिशन लेना है, हाउ टू ज्वाइन दिस कॉलेज, ठीक है, एंड हाउ टू ज्वाइन एंड हाउ टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज थ्रू सीमेट, सीईटी, मैट और एटमा से भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बट मेनली जो है यहाँ पे सीमेट, सीईटी, मैट से लेते हैं, ठीक है, ये सब सारे नॉट कैट एग्जाम्स है। और अभी जो है सीईटी के जो कैप राउंड स्टार्ट होगी रिजल्ट के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा ये SIS की कॉलेज की नेम आती है, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं, क्या इसकी फीस स्ट्रक्चर है, क्या इसके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स है, ये सब, तो इस पर आज हम लोग पूरी बात करेंगे। और क्या इसका प्लेसमेंट ये सब रहा है, ठीक है, तो उस पर सारी बातें होंगी। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, डेली वीडियो इस पर बन रही है। और हमारी कोर्सेज से कल से 29 मई से हम लोग की रेगुलर हो जाएगी कोर्सेज, की फ्री कोर्स से जो आई है, ठीक है, MBA के। तो ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो पर, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो लाइक ये देखो हम लोग की ग्रुप्स है, इस पे भी जरूर ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। BBA MBA से हो, CMAT CET MBA CET, ठीक है, एंड NMAT, SNAP, SRCC, GPO, CMAT CET MBA कॉलेज, GDPI, यहाँ पे सारे पे ज्वाइन हो सकते हो। जो लोग GDPI की कॉल है इस सब पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है, किसी भी कॉलेज के लिए अगर कॉल आई है तो इस ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज की। देखो जो SIS है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन सोसाइटीज इन इंडिया, फाउंडेड इन 1932, काफी पुराना कॉलेज है ये। और SIS ग्रोन टू बिकम क्रोनो, इसकी आप लोग पढ़ सकते हो, लाइक 15,000 स्टूडेंट्स अंडरगोइंग, लाइक ये सब इससे बॉर्डर्स है, ठीक है, इसे हम लोग उतना लेना देना नहीं है, ठीक है। बस हम लोग फाउंडेड कब हुआ है 1932, ठीक है, ये सब बस हिस्ट्री इसके जाने के लिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। एंड हम लोग बात करें तो फीस ये सब की क्या है, देखो तो फीस है इसकी दो तरह की, यहाँ पे दो प्रोग्राम चलते हैं जैसे मैंने बताया, एक MMS है और एक PGDM है। MMS की जो फीस है वो 5.12 लाख, मतलब 5 लाख 12 हजार इसकी फीस है, और PGDM की जो फीस है 8.5 लाख इसकी फीस है, ठीक है। और क्या है इस प्रोग्राम, देखो ये जो प्रोग्राम है, इस दोनों प्रोग्राम में वैसा कुछ है आपको मिलेगा नहीं कि आपको, वन सेकेंड, इस प्रोग्राम में MMS में अगर बात करूं, MMS और PGDM में आपको वैसा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है, बस यहाँ पे फीस होती है डिफरेंस। बाकी अंदर जाओगे कॉलेज में आपको सब कुछ सेम मिलेगा, ठीक है, प्लेसमेंट के सारे कुछ सेम रहते हैं, ठीक है, बस फीस और कट ऑफ में यहाँ पे डिफरेंस होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कट ऑफ की, कट ऑफ की इसकी क्या रहती है, तो आप लोग उसको देखो, कट ऑफ जो है इसकी मेल MMS की जाती है 99.6%, 7 पे भी जाती है, और PGDM की वैसी कुछ नहीं है, 70-80 बस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बट वैसा कुछ नहीं है इसे कट ऑफ के, ठीक है। तो लाइक अगर आप महाराष्ट्र से आते हो, महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, तो 96-97 पे ये आ जाती है कैटेगरी में, SC ST से तो उससे भी बहुत कम रहती है, ठीक है, लाइक 80-70 इस पे रहती है SC ST वालों के लिए। OBC के वालों के लिए मैं बोलूँ तो 99 समथिंग रहेगी, बट इससे नीचे नहीं जाने वाली, ये ऑल इंडिया कट ऑफ है, ये ठीक ऑल इंडिया की है। महाराष्ट्र के लिए 97-96 पे जाती है, और PGDM के लिए, ठीक है, अगर महाराष्ट्र से भी हो अगर आप, तो वैसा मत समझ 96, बट आप ये सेफ में बता रहा हूँ, 98 पे मानो, 98 पे मानो या फिर 99 सेफ मानो इसको, इस कॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है। और PGDM की अगर आप किसी भी कुछ भी लाइक परसेंटाइल आई है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे GDPI में, डेफिनेटली PGDM कन्वर्ट कर लोगे, वैसा कुछ नहीं रहता है रॉकेट साइंस की PGDM कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो लाइक आपने किसी भी स्कैट, मैट, जैट, सीमेट, एमेट, MSCET सब दिए हो, तो लाइक आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स होगी, फिर GD होगी, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपको सीट एलोकेशन वहां पे होगा, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसकी 2023-24 की, लाइक पैरामीटर से सब देखते हैं, लाइक क्वालिफाइंग एग्जाम पे, लाइक क्वालिफाइंग एग्जाम आपको 35% देते हैं, ठीक है, GDPI को 20-45% देते हैं, ठीक है, GDPI यहाँ पे मेनली रोल प्ले करते हैं, देख रहे हो 45% है। पोस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस लाइक अभी क्या क्या है, ठीक है, एक्सपीरियंस है सब सब ये सब देखते हैं वहाँ पे, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब देखते हैं, ठीक है, लाइक इसकी कितनी है, लाइक 12-15% है, और 5% आपको वर्क एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है, ये सब सारी इसकी एडमिशन प्रोसेस डिटेल्स है।
ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप में मेनली आपको देखो, जो अभी मैं इन वेबसाइट पे पता चला है मुझे 2022-21 की इंटर्नशिप जो लगी है, अभी ये रिसेंट का नहीं उन्होंने पोस्ट किया, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं क्या इंटर्नशिप अभी रहने वाली है। तो पीजीडीएम एमएमएस की जो मैं बात करूँ, इसको हम लोग बात नहीं करना है, फार्मा के बारे में बात नहीं करना है। पीजीडीएम और एमएमएस की मैं बात करूँ तो 2 मंथ्स की ड्यूरेशन थी इंटर्नशिप की, हाईएस्ट इंटर्नशिप गई है 75 के, और जो एवरेज स्टाइपेंड गई है वो 20 के। तो आप इसको मेनली मतलब रख सकते हो कि लाइक 15 to 20 की आपकी मिनिमम लाइक जाती है इंटर्नशिप, ठीक है। लाइक 15 तो नॉर्मली मिल जाता है सारे कॉलेज में, ठीक है, 15-20। तो लाइक आपको इस स्टैट से आपको लाइक हर साल यही रहता है, वैसा कुछ नहीं, कोई चेंजेस आती है, ठीक है। बढ़ेगा भी तो 5 लाख अराउंड बढ़ता है, ठीक है, एफ्रॉक्स अगर हम लोग चले तो, ठीक है। तो ये इसकी इंटर्नशिप भी रही है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट की, फाइनल प्लेसमेंट क्या है, ये 2019 से 2021 की बैच है। यहाँ पे 430 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल। और स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कैंपस 438, एवरेज सैलरी इन टॉप 30% 8.47 गई है, हाईएस्ट जो गई है सैलरी 20 लाख गई है, जो कि दुबई में हुई है, ठीक है, इंटरनेशनल ये गई है। एवरेज सैलरी जो गई है 7.2, मीडियम 7.04 गई है, 176 रिक्रूटर्स आए थे विजिटेड फॉर फाइनल प्लेसमेंट, और 39 न्यू रिक्रूटर्स आए थे, ठीक है, वे आर ट्रेनिंग पूल फॉर समर इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। और समर इंटर्नशिप का कुछ देख लो, 375 बच्चे यहाँ प्लेस हुए थे 2020 से 2022 की बैच में, 375 थे, 30,000 लाइक हाईएस्ट गई थी, और 11,000 पर एनएम इसकी एवरेज गई थी, और अप्रोक्स 150 कंपनी यहाँ पे इंटर्नशिप समय इंटर्नशिप के लिए आई थी। तो ये सब 4 साल के मैं यहाँ पे रखा हूँ आपकी, 2020, 2021, 2019, 2020, 2018, 2019, 2017, 2018, ये सब हाईएस्ट देखो इसकी पीजीडी एमएमएस की मैंने देखा हूँ। 20 हाईएस्ट गई है इसमें, 18 गई है 19-20 में, और 18-19 में 18, और 17-18 में 17.5, एवरेज देखो 7.2 गई है 19-20-21 में, 19-20 में 7.2 गई है, 18-19 में 7.1 गई है, 17-18 में 6.9 गई है। तो ये सब आपको इसमें प्लेसमेंट को देखनी है, ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में यहाँ पे दी हुई है सारी, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सारी कंपनीज कौन कौन सी आई है, ठीक है, मैं उसका रिव्यूज दे दूंगा कि आपको इस कॉलेज को ज्वाइन करना है या फिर नहीं, और हम लोग रिव्यूज भी पढ़ेंगे इसके। ये सब सारी कंपनीज आई है, मॉर्गन स्टैनली, एशियन पेंट, एयरटेल, एलजी, फाइजर, फिर डेलॉयट, ये मतलब सारी आपको जानी मानी कंपनियां मिल जाएगी, कैपजेमिनी, वर्थ, ठीक है, गैप, मेरू, अमेजोन, फेडरल, वोडाफोन, ठीक है, फोबिल का, केपीएमजी, ये सब बारे मतलब सारी जितनी बड़ी कंपनियां है सारी कंपनी सारी एस आई एस में देखो, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइक रिव्यूज के बारे में। प्लेसमेंट इन द कॉलेज आर डिसेंट, टिपिकली Tier 2 काइंड ऑफ द प्लेसमेंट, ठीक है, मार्केटिंग प्लेसमेंट आर द बेटर देन एनी स्पेसिफिक, देखिए हर कॉलेज का ये बात है, मार्केटिंग अच्छा रहता है। एंड द फाइनेंशियल फॉक्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर देन बीएफएसआई, 6 सिटीज इज द एवरेज कैंपस इन द कैंपस, टॉप फाइनेंस कंपनी डो नॉट विजिट इन द कम्बा हायर टू स्टूडेंट, एलुमनाई कनेक्ट सीरियसली वीक, ठीक है, एंड द कंपनीज कमिंग फॉर द इंटर्नशिप इज फार टू लेस, प्लेसमेंट फॉर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, ये दूसरी है, ये फर्स्ट थी, ये दूसरी है रिव्यू, ये तीसरी है, और ये डो नॉट आर स्टूडेंट्स इन फाइनेंस में डो नॉट गेट गुड प्रोफाइल्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गई, इंश्योरेंस इज विजिट हायर टू स्टूडेंट, एचडीएफसी मास्टर ट्यूटर, एचडीएफसी बैंक, एंड प्लेसमेंट एट एस आई एस मैनेजर स्टडी आर वेरी गुड, एवरेज सैलरी ऑफर्ड बाई पास 5.5 से, जैसे हमने बताया द एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ फाइनेंस में 4.5 से 5 लाख, द एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर्ड फॉर ऑपरेशन स्टूडेंट फॉर 5 लाख, और एवरेज सैलरी एचआर स्टूडेंट 28 to 30 के पर मंथ, और द हाइएस्ट सैलरी गई है अभी तक की सबसे हाईएस्ट ये 21, जैसे मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले स्लाइड में। देखो ये कॉलेज अगर आपको तब लेना है जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे हैं सीईटी में, आपको अगर देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे इससे सेटिस्फाई हो कि इतना मुझे पैकेज लगने वाला है एवरेज इस कॉलेज का देख लीजिए, जैसे मैंने बताया है, और अगर आप इससे सेटिस्फाई हो उस कॉलेज में ले सकते हो, बाकी आपका खुद का डिसीजन है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है, ठीक है। बट माई पर्पज इज टू गेटिंग द रियल ट्रूथ ऑफ दिस कॉलेज इन दिस इन ऑल ऑफ द वीडियोज, आई एम टेलिंग यू द राइट वे टू टेक एडमिशन टू लाइक एनी ऑफ द कॉलेज, बिकॉज लाइक इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी कॉलेज द प्लेसमेंट इज द लाइक की रोल ऑफ द एनी कॉलेज, बिकॉज अगर आपके प्लेसमेंट नहीं है किसी कॉलेज में, अगर अच्छा नहीं है तो उस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले आप लोग कुछ बहुत सोचते हो, क्योंकि मेन प्लेसमेंट होती है, ठीक है,
उसकी बात होती है यहाँ पे कोर्सेज, मतलब क्या करिकुलम, ये सब एक्टिविटीज है, वो सब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो सेटिस्फाई हो तो उस कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, रिव्यूज भी देख ही लियो। ठीक है, कुछ बैड रिव्यूज होते हैं, कुछ गुड रिव्यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सारी कंपनीज यहाँ पे आई है, देखो मुंबई के बेस्ड कॉलेज है ये, सारी कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लाइक अच्छा परफॉर्म करोगे तो हाईएस्ट भी यहाँ से 21-22 के आप लोग 21 लाख आराम से उठा सकते हो। 7-8 तो मेनली आपको लग जाएगा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो यहाँ पे अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, टॉप 20 में रहोगे तो हाईएस्ट आप लोग जरूर से यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का पूरा चेतना के ऊपर रिव्यू। ठीक है, अगर आपकी कुछ भी और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाना, यहाँ पे सारे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एंड जो भी लोग को वीडियो पसंद आए वो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।